अब वैसे तो कानपुर टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ। फैंस काफी निराश थे कि भाई इतनी उम्मीदों के साथ आए थे लेकिन सिर्फ 35 ओवर का खेल दिखा। लेकिन अश्विन के लिए 35 ओवर काफी थे क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जब गेंदबाजी करने उतरे तो सिर्फ 35 ओवर के खेल में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, अगर एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स की बात करें तो अश्विन का नाम दूसरे नंबर पर आ चुका है, मतलब ओवरऑल प्लेयर्स की बात करें। इसके अलावा अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो अश्विन ने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए एज एन इंडियन प्लेयर एशिया में सबसे ज्यादा विकेट चटका दिया है। अब देखिए, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो था अनिल कुंबले के नाम पे। अनिल कुंबले जिन्होंने इंडिया के लिए गेंदबाजी करते हुए एशिया में 419 विकेट चटकाए थे, और 419 का ये जो रिकॉर्ड था वो अश्विन ने पिछले टेस्ट में बराबर कर लिया था। यानी कि जब चेपॉक टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में अश्विन गेंदबाजी करने उतरे थे और 6 विकेट चटकाए थे तो अश्विन ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। सिर्फ एक विकेट और चाहिए था और वो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते एशियन कंडीशंस में, और कुछ ऐसा ही हुआ। अगर एशिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स की बात करें तो नंबर वन पे नाम है मुथैया मुरलीधरन का, श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज जिन्होंने एशिया में खेलते हुए 612 विकेट लिए। इसके अलावा अगर अश्विन की बात करें तो उनका नाम अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। अश्विन जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में एशिया में खेलते हुए 420 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पे नाम है अनिल कुंबले का जिनके पास 419 विकेट है। अगले नंबर पे नाम है रंगना हेरात का जिनके पास 354 विकेट है, और आखिरी नंबर पे नाम आता है हरभजन सिंह का जिनके पास 300 विकेट है। अब देखिए, हुआ ये कि बांग्लादेश की टीम अच्छी सिचुएशन में थी। मोमिनुल हक और शांतो के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, सेट लग रहे थे प्लेयर्स, लग रहा था कि एक बड़ी पार्टनरशिप बनाएंगे। लेकिन अश्विन आते हैं 29वां ओवर डालने। इस ओवर की 4 बॉल अश्विन अच्छी डालते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और 5वीं बॉल पे शांतो को LBW आउट कर देते हैं, और इसी विकेट के साथ अश्विन अपना 420वां विकेट चटकाते हैं और एशिया में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाते हैं। इसके अलावा अगर अश्विन का टेस्ट करियर देखें तो 101 मैचेस में अश्विन के पास 522 विकेट हैं, सिर्फ 2.82 का इकोनॉमी है, और 5 विकेट यानी 5 विकेट हॉल्स की बात करें तो 37 चटका चुके हैं। मतलब सोचिए कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास टेस्ट करियर में 37 5 विकेट हॉल हैं और सेंचुरीज भी लगा चुके हैं, 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं उनके पास। आई थिंक यही सब चीजें जो अश्विन को बाकी के गेंदबाजों से एक अलग गेंदबाज बनाती हैं। खैर, जैसा कि मैंने बताया, कानपुर टेस्ट के पहले दिन फैंस थोड़े से निराश हो गए क्योंकि सिर्फ 35 ओवर का खेल हो पाया। सबसे पहले बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने उतरी और 107 रन पे 3 विकेट गिरे। अब सबसे पहले जाकिर हसन 24 बॉल तक संघर्ष करते रहे पर अपना खाता नहीं खोल पाए और इवेंचुअली आउट हो गए। इसके बाद शादमान इस्लाम 36 बॉल पे 24 रन बनाए, नजमुल हुसैन शांतो ने 57 बॉल पे 31 रन बनाए और अश्विन ने आउट किया। इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करें तो मोमिनुल हक 40 पे नॉट आउट है और मुशफिकुर रहीम 6 रन बनाकर वापस लौट आए। इंडिया के बोलर्स की बात करें तो आकाशदीप ने कमाल की गेंदबाजी की, 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए और इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अश्विन ने 22 रन देकर 1 विकेट लिया जो कि नजमुल हुसैन शांतो का था, और इसी विकेट के साथ अश्विन ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर एज एन इंडियन प्लेयर एशिया में सबसे ज्यादा विकेट चटका दिया। वेल, आप बताइए अब अश्विन का अगला बड़ा अचीवमेंट क्या होगा इस टेस्ट में? अश्विन और कितने रिकॉर्ड्स हैं जो कि तोड़ने वाले हैं, और स्पेशली कानपुर टेस्ट में? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि अश्विन इस मैच में कितने विकेट्स लेंगे तो बताइए कितने लेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।